वेलकम टू माय चैनल रेखा माहिती। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में मैं दिखाऊंगी कि जब आप स्कूटी चलाने के लिए सीख रहे हो तो आप स्कूटी का हैंडल और एक्सीलेटर कैसे कंट्रोल करोगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान रखें, जब भी आप स्कूटी चलाने के लिए सीखे तो सबसे बड़ी बात होती है कि आप अपने ऊपर में कॉन्फिडेंस पूरा रखें। अगर आपको अपने ऊपर में कॉन्फिडेंस है तभी आप स्कूटी को चलाने के लिए सीख सकोगे, स्कूटी का बैलेंस बनाने के लिए सीख सकोगे। और मैं हमेशा हर एक वीडियो में बस यही बताना चाहती हूँ कि अगर आपके पास में कोई नहीं है तभी भी आप स्कूटी बहुत ही इजीली बिना किसी के हेल्प बहुत ही इजीली स्कूटी चलाने के लिए सीख सकते हो। बस छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप स्कूटी चलाने के लिए सीखते हो तो बहुत ही इजीली स्कूटी और 10 डेज में आप स्कूटी चलाने के लिए सीख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाऊंगी कि स्कूटी का हैंडल और एक्सीलेटर कंट्रोल कैसे करोगे। तो बहुत ही आसान यहाँ पे हो गया हैंडल और एक्सीलेटर। तो एक्सीलेटर हैंडल को कंट्रोल करना कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप स्कूटी का बैलेंस बना लेते हो। तो स्कूटी का बैलेंस कैसे बनाओगे, फर्स्ट टाइम पहले स्कूटी का बैलेंस कैसे बनाओगे वो भी मैं दिखाऊंगी, और स्कूटी का हैंडल और एक्सीलेटर कैसे कंट्रोल करोगे वो मैं आज का बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से वीडियो में बने रहिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड्स, चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जब भी स्कूटी घर से लेके निकलो तो आपको स्कूटी का पंचर चेक कर लेना है, स्कूटी आपका कहीं पंचर तो नहीं। तो इस सब चीज़ों को चेक करते हुए आप स्कूटी को बाहर लेके निकले। और सेकंड होता है कि हेलमेट, आपको हेलमेट पहनना ज़रूरी है। कोई भी ट्रैफिक में जाओ या स्कूटी चलाने के लिए सीख रहे हो तो आपको हेलमेट यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें स्कूटी चलाने के लिए सीखना है। तो चलिए फटाफट अब बिना देर किए हुए स्कूटी का बैलेंस कैसे बनाएंगे, एक्सीलेटर कैसे कंट्रोल करेंगे और हैंडल कंट्रोल कैसे करेंगे, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज स्कूटी को मैं स्टार्ट करती हूँ। और ये एक स्टैंड पे है तो सबसे पहले करेंगे क्या कि स्कूटी में हम बिना हिचकिचाए इस तरीके से बैठेंगे। अगर स्कूटी का आप बैलेंस बना चुके हो तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी हाथों को ध्यान से देखिए, ये होता है एक्सीलेटर जिसे आपको कंट्रोल करना है। सबसे बड़ी बात, अगर आप एक्सीलेटर को कंट्रोल कर लेते हो और हैंडल को कंट्रोल कर लेते हो, ये हो गया हैंडल जो टेढ़ी मेढ़ी मूव करती है जब आप स्कूटी का बैलेंस बनाने के लिए सीखते हो। स्कूटी का बैलेंस तो बन जाता है लेकिन हैंडल फिर भी टेढ़ी मेढ़ी जाती है। तो इन सभी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है स्कूटी सीखते समय। तो हैंडल को कंट्रोल कैसे करेंगे और एक्सीलेटर कैसे कंट्रोल करेंगे, तो सबसे बड़ी बात, एक्सीलेटर के ऊपर हाथों को हमें इस तरीके से मुट्ठी बांध के रखना। और यहाँ पे देखिए, हाथों को देखिए 1 से 5 के बीच में, ध्यान रखिए, थोड़ा सा हल्का सा हमें मूव करना है, ज़्यादा नहीं, बस मतलब 1 से 5 के बीच में हमें एक्सीलेटर को हल्का सा मुट्ठी बांधते हुए हल्का सा हमें इस तरीके से मूव करना है। और इस समय क्या करेंगे कि स्कूटी के ऊपर में पूरा हमारा जो ध्यान रहता है स्कूटी के ऊपर में रखना है, माइंड को इधर उधर थोड़ा भी डाइवर्ट नहीं करना है, नहीं तो आप स्कूटी चलाने के लिए नहीं सीख सकते हो। और जब भी स्कूटी घर से आप लेके निकलते हो तो आप भगवान का नाम लें। तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगी कि कैसे स्कूटी का हैंडल कंट्रोल कैसे करोगे। तो ये देखिए, सबसे पहले स्कूटी को स्टार्ट करेंगे। स्कूटी को स्टार्ट करते हुए हमें डरना बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे एक्सीलेटर के ऊपर में हाथों को इस तरीके से रखेंगे और ये देखिए स्कूटी हमारी यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। आवाज़ आपको सुनाई दे ही रही होगी, स्कूटी हमारी स्टार्ट हो गई है। तो अब एक्सीलेटर के ऊपर में हाथों को मुट्ठी बांधते हुए इस तरीके से रखना है, और यहाँ पे दूसरा हाथ हमारा ब्रेक के ऊपर में है। ध्यान देखिए दीजिए, ब्रेक के ऊपर में हाथों को इस तरीके से रखना है, ब्रेक को दबा के हमें स्कूटी को स्टार्ट करना है। क्योंकि इस समय आप बिल्कुल स्कूटी चलाने में एक्सपर्ट नहीं है तो ब्रेक के ऊपर में हमेशा आपको ध्यान देना है। बस दोनों पैर को ज़मीन पर रखते हुए सबसे पहले हमें स्कूटी का बैलेंस बना लेना है। तो स्कूटी का बैलेंस कैसे बनाएंगे ये मैं थोड़ा सा बताऊँगी, उसके बाद हैंडल और एक्सीलेटर कंट्रोल कैसे करोगे ये भी बताऊँगी। तो सबसे पहले देखिए, दोनों पैर ज़मीन पर इस तरीके से रखिए, फिर धीरे धीरे चले, फिर रुकिए। और मेरी हाथों को देखिए, मैं एक्सीलेटर के ऊपर में कैसी रखी हूँ, थोड़ा सा चलना है फिर रुकना है। पैरों पे ध्यान दें और हाथों पे भी ध्यान दें कि मैं कैसे चल रही हूँ, बस ये सब चीज़ को पता है।
फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं कैसे स्कूटी के एक्सीलेटर को भी कंट्रोल कर रही हूँ और हैंडल को भी कंट्रोल कर रही हूँ। तो हैंडल जितनी बार टेढ़ी मेढ़ी जाए बस उसे आपको सीधा करना है, फिर चलना। इस प्रोसेस को आपको बार बार करना है जब तक कि आपका हैंडल पे कंट्रोल ना हो जाए। और एक्सीलेटर पे देखिए मैंने कैसे बताया है कि मुट्ठी बांध के आपको एक्सीलेटर को बस स्लो लेना है, थोड़ा सा हाथों को बिल्कुल मूव नहीं करना, 1 से 5 के बीच में हाथों को ऊपर से नीचे की ओर लेना है, फिर नीचे की ऊपर की ओर ले लेना है। तो इस तरीके से जब आप स्कूटी का बैलेंस बनाने लगोगे तो क्या होगा कि धीरे धीरे स्कूटी का हैंडल भी कंट्रोल होगा, एक्सीलेटर भी कंट्रोल होगा। पैर देखिए, पैर मतलब जैसे चलते हैं ना वैसे पैरों को बस इस तरीके से पैरों को ज़मीन पर रखते हुए हमें स्कूटी का बैलेंस को भी संभालने के लिए सीखना है। और हैंडल जितनी बार टेढ़ी मेढ़ी जाए हैंडल को सीधा करें और फिर चलें। तो इस समय आपका पैर ज़मीन पे है तो स्कूटी गिरने का सवाल नहीं है, बस स्कूटी तभी गिरेगी जब आप एक्सीलेटर को तेज़ करोगे। तो यहाँ पे ध्यान रखें एक्सीलेटर को आपको बिल्कुल तेज़ नहीं करना, बिल्कुल हल्का लेना है। आप जब भी कोई स्कूटी चलाने के लिए सीखता है तो एक्सीलेटर हाथों से तेज़ हो जाता है, तो बस इन सभी बातों को ध्यान में रखना है कि एक्सीलेटर तेज़ नहीं होनी चाहिए। एक्सीलेटर अगर तेज़ होती है तो धीरे से आप स्कूटी के ब्रेक को दबाएं, स्कूटी आपको गिरती गिरती उस समय बचेगी, लेकिन आप गिरोगे नहीं और आप सेफ रहोगे और स्कूटी के बैलेंस को संभालने के लिए सीखोगे। तो बस देखिए पैरों को मैं मतलब जैसे चलते हैं ना बस उसी तरीके से मैं चल भी रही हूँ, स्कूटी के एक्सीलेटर को भी कंट्रोल कर रही हूँ और हैंडल भी कंट्रोल हो रहा। और धीरे धीरे जब इस तरीके से स्कूटी का बैलेंस जब आपको लगे कि स्कूटी का बैलेंस आप संभाल लिए हैं तो बस इस तरीके से एक पैर को ऊपर करके बैलेंस को संभालने के लिए कोशिश करें। तो इसी तरीके से वीडियो में बने रहिए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।